वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड टैंकर्स। मैं पूर्णिमा, मैं निकेत, और अब हम आए नई और वीडियो के साथ। आपने जैसे पढ़ा था, हम आज ट्राई करने वाले हैं फ्रोजन फूड। ठीक है, तो आज हम फ्रोजन फूड ट्राई करने वाले हैं, और जो हमने मोस्टली जो आइटम मंगवाए, मोस्टली सभी आइटम, सारे आइटम हमने इंस्टामार्ट, स्विगी के इंस्टामार्ट से मंगवाए हैं, क्योंकि बहुत हमें ट्राई करने का मन था। बाहर बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, ऑफ भी चल रहा था, ऑफ ऑफ ऑफ। फर्स्ट 5 ऑर्डर पे हमें स्विगी ने पैसे नहीं दिए काम करने के लिए। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होंगी, मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफा नाल डील करना होंगे। और सबसे बड़ी बात, हमने जब मंगवाया उसके विद इन 10 मिनट्स ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आ गया, बहुत ये बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को कि ऑर्डर आ गया। और दूसरी बात, पैकिंग दिखाऊं मैं, पैकिंग देखो आप, लिटरली बहुत अच्छी पैकिंग, 7-8 चीजें मंगवाई है और ये ऐसी पैकिंग्स में आया। लुक एट दिस। तो अब एक एक करके हमने खोल के आपको बताते हैं हमने मंगवाया क्या क्या है। सो पहली चीज मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये है आईटीसी का मुंबई वड़ा पॉप्स। आईटीसी ने ना क्या मस्त मस्त चीजें निकाली है। और सच बताऊँ, स्विगी पे ना, स्विगी के इंस्टामार्ट पे बहुत सारे नॉनवेज आइटम्स बहुत थे, चिकन के, मटन के, घर में अलाउ नहीं करते ना, मतलब हमने मंगवाया ही नहीं ना, वेज ही था ये सब कुछ। नेक्स्ट है दिल्ली के दही कबाब, आईटीसी का ये, और इसके साथ है ये अपना अल्फा बाइट्स। ये अल्फा बाइट्स मेरे ख्याल से मकेन की स्माइली जैसे ही होगा, हाँ, बट वही है अल्फा बाइट की शेप अलग है ना। ये है फलाफल कबाब, नाइस ना, नाइस। और ये जो अलग हमने कंपनी का मंगवाया है ये भी ग्रीन, बट कंपनी इसके लगे परसुमा के मोमोज हैं। ये तो करना ही था ना, बहुत ज्यादा लोग कर रहे थे तो हमने भी करना ही था। बाकी मोमोज तो ऑल टाइम फेवरेट हो गए। और ये है पिज्जा पॉकेट्स, पिज्जा पॉकेट्स। और इसी के साथ एक जो चीज है जो हमने अलग से लेकर आए हैं, ये हांडी के वेज सीख कबाब, वेज। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बनाना, एक करके बनाएंगे, एक करके खाएंगे और रेटिंग देंगे। ओके बाय। हाँ ये कर लो पहले। ओके बाय, हम बनाते हैं। हाँ। किचन में चले चलो। ओके ओके ओके, आफ्टर अ डिजास्टर इन किचन हम आ गए हैं, और शुरू करते हैं अपने फर्स्ट डिजास्टर से जो ये थे दही के कबाब। भाई इन्होंने बनने में बड़ी कठिनाइयां दी हैं, बहुत ज्यादा। अब खाने में कठिनाइयां देंगे नहीं देंगे वो तो मेरे को ना पता, दही के कबाब मुझे बाहर के भी पसंद नहीं आते। तो ये हमारे पास किचन है, हरी चटनी से खा सकते थे बट हरी चटनी नहीं आई। पता है आईटीसी की चीजों में प्रॉब्लम मुझे यही है, अंदर कोई चटनी नहीं है। ये थोड़े खट्टे खट्टे हैं, दही का टेस्ट है बट शायद नॉट दैट बैड ना। मतलब ये क्या एक्चुअली क्या है, दही और पनीर का है। तो मेरे बाहर के भी थोड़े खट्टे ही होते हैं बट ठीक है, फ्रोजन के हिसाब से मेरे ख्याल से 6। या 6। मैं प्राइस बताती हूँ इसका, 130 रुपीज। मतलब ठीक है यार, क्वांटिटी भी ठीक थी, क्वांटिटी भी ठीक थी, 8-10 कबाब थे अंदर, ज्यादा भी। ओके, नेक्स्ट हमारी प्लेट में दो चीजें हैं, ये हैं हमारे अल्फा बाइट्स और ये हैं फलाफल कबाब। फलाफल की क्वांटिटी काफी सही थी। और मैं बताऊं रेट इसका, अल्फा बाइट्स का रेट है 145 रुपीज, इसकी क्वांटिटी अच्छी थी, मकेन वाले स्माइली जैसी है, ठीक है। और फलाफल की 130, जिसकी क्वांटिटी भी अच्छी थी, मतलब क्वांटिटी वाइज बढ़िया है। तो पहले फलाफल ट्राई करेंगे, तो इसके साथ शायद वो वाला हमस आता है ना, हमस आता है, वो नहीं आया, चटनी थी खाना। इट्स यम, ट्रूली इट्स यम, वेरी टेस्टी। फलाफल अब बहुत जगह मिलने लगा है, बढ़िया अच्छा है यार, नाइस, आई लाइक इट। अब हम खा रहे हैं ये MW और MH। वही है ये स्माइलीज पोटैटो। अच्छा है आईटीसी, नाइस, गुड गोइंग। फलाफल में मेरी तरफ से 9। और हाँ, मेरी तरफ से 9 और इसके लिए 7।
नहीं यार मेरे को अच्छी लगी यार, कुछ अलग नहीं है इसमें यार, तो अलग क्या निकाले वो बच्चों के लिए निकाले उन्होंने, तो तू खा रही थी वो तो शौक से खा रही है। नेक्स्ट इतना बताता हूँ, ये है हांडी के वेज सीख कबाब और ये मेरा पैकेज होता है, और इसके साथ हमारे हैं ये पॉकेट्स, बड़ा पॉकेट्स, बड़ा पॉप्स, बड़ा पॉप्स या और ये ना बिल्कुल बड़ा, एक सेकंड दिखाई पे पकड़, ये ना वो जो वड़ा पाव वाले अंदर का वो होता है ना उस तरह ही बिल्कुल आलू बने हुए जैसे। ये अच्छा है, इसको एक्चुअली पाव में लगा के, बहुत छोटा है तो दो चार लगा लो, ब्रेड में लगा लो, बट ये अच्छा है यार, इट्स नाइस है ना, गरम गरम अच्छा लग रहा है। हाँ टेस्ट लग ही नहीं, ये फ्रोजन वाला है सबसे बड़ी बात। अब इसके बाद हमारी जो अगली चीज़ें है सीख कबाब, वेज सीख कबाब है, मूंग दाल चटनी, ये सब चटनी ग्रीन मिर्च चटनी होती ना यार, नाइस मतलब अच्छी चीज़ें चूज़ कर ली आज हमने खाने के लिए, ये मैंने मंगवाया। हाँ मतलब बाकी सब के लिए बोल रही हूँ मैं। दोनों को नाइन ना, हाँ दोनों बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, मुझे तो वड़ा पाव बहुत अच्छा लगा, मतलब वड़ा पॉप्स। अब जो एक मेन चीज जो कि है ऑल टाइम फेवरेट लोगों के मोमोज, मोमोज हमने स्टीम नहीं करे, डीप फ्राई करे हैं, और इसके साथ हमारे पास है ये पिज्जा पॉकेट्स। मुझे ना ये पिज्जा पॉकेट से बहुत एक्सपेक्टेशन है, मुझे वो मैकपफ वाले पिज्जा पॉकेट चाहिए। ओह माय गॉड, ये तो फिलिंग देखो आप इसकी एक बार यार, दिखाइयो इसमें वही सब है, और ये तो मैकपफ वाला है, पूरा मैकपफ, पूरा मैकपफ वाला है ये देखो। अब ये टेस्ट में उसके कंपैरिजन का है नहीं, वो खाने देखते हैं। सेम ओ भाई, सेम टेस्ट, और मेरे ख्याल में बेटर नहीं, मेरे को लग रहा है एग्जैक्ट सेम है। 12 पीस थे ये, और इसका प्राइस का प्राइस बताओ, 170 के 12, नाइस यार, सही है यार, लेकिन मैं 25 रुपए का लंबा मिलता है, मतलब से इसको दो मिला लोगे तो 25 का आ जाएगा, बट यम मस्त मस्त है बॉस, घर में बनाओ खाओ। अच्छा ये लास्ट चीज जो है ये है मोमोज, मोमोज ट्राई करेंगे, मोमोज हमने फ्राइड करें जैसे ही बताया, और फिलिंग यू नो मतलब वेजीज है, पनीर है देख सकते हो, सो लेट्स अच्छा मोमोज इज ऑल्सो गुड यार, आई टी सी का नहीं मोमोज बताया था, मोमोज तो मैं सुना ही था, मतलब ऑनलाइन वैसे बहुत लोगों ने ट्राई किया था। खत्म कर लूँ पहले मुँह का, चटनी अच्छी है परसुमा वाली, परसुमा में चटनी आई, मोमोज में चिली सॉस आई है, चिली सॉस थोड़ी हमारे ना हल्के से कवरिंग क्रंची नहीं है, शायद हमारे तलने में प्रॉब्लम था ट्राई करने में। हाँ हम क्योंकि हम मास्टर शेफ हैं आपको पता है। इसका फीलिंग अच्छा है, इसका फीलिंग अच्छा है, बट महंगा है। वेज मोमोज और इसके अंदर पनीर है वैसे तो हल्का फुल्का, बट अगर 175 के 10 मोमोज तो महंगा है, तो महंगा है। ओके अब बाहर जाओ जो आपके आसपास वाले मोमोज वाले होते हैं वो 50 रुपए में दे देते हैं जैसे, ठीक है, लेकिन घर पे कभी कभी रात को जैसे बहुत से भूख लग रही 3 AM वाली भूख, 3 AM वाली भूख, ऐसी जगह रह लो जहाँ पर ऑर्डर आते हो तू रह ले। तो ये बन सकते हैं, हाँ मोमोज भी यार रिकॉर्ड नहीं। तो मेरे हिसाब से मुझे तो सब बहुत अच्छा लगा, मुझे सिर्फ दही के कबाब ओके, दही के कबाब बनने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तब हमारे सही से कुक नहीं हुआ, हमने ढंग से ना बनाया, बट सब वर्थ द मनी है। और अगर मैं मोमोज को रेटिंग दूं तो 8,
दो भी इसलिए है क्योंकि वो थोड़े कॉस्टली है। आई टू सी के नए प्रोडक्ट्स आए हैं, सब ट्राई करो, बढ़िया। और पिज्जा बर्गर को 10 आउट ऑफ 10, मजा आ गया, ट्राई करो, बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। एंड करते हैं वीडियो और लाइक करना, प्लीज डू कमेंट्स कि हम ऐसे वीडियोस कर लें क्या। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपने कुछ भी ट्राई करा हो या और कंपनी का ट्राई करा हो, बताएं हमें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। एंड बाय।